एनसीईआरटी की फिजिक्स का क्वेश्चन है, क्लास 12th पार्ट 1 का चैप्टर 3 में। इसमें एक बैटरी है 10 वोल्ट की, यहाँ पे एक सीरीज में 10 ओम का रेजिस्टर है और फिर ये एक रेजिस्टर, चार रेजिस्टर्स का नेटवर्क है और बीच में भी एक रेजिस्टर है 5 ओम का। 10 ओम ये रेजिस्टर, 5 ओम का ये रेजिस्टर, फिर 5 ओम का ये रजिस्टर और फिर ये 10 ओम का रजिस्टर। हमको करंट निकालना है इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क। यहाँ पे कितना करंट फ्लो हो रहा है इस रजिस्टर के थ्रू, फिर इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है और फिर ये दो रजिस्टर्स में कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो सबसे पहले हम इस सर्किट को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। इसमें दो, इस सर्किट में दो मेन चीज है। तो सबसे पहला चीज ये है कि ये सर्किट कुछ कुछ व्हीटस्टोन ब्रिज टाइप का लगता है, यानी कि इसका स्ट्रक्चर कुछ कुछ व्हीटस्टोन ब्रिज टाइप का लगता है। लेकिन हम इसको जरा ध्यान से देखते हैं, जब ये वोल्टेज 10 वोल्ट इस रजिस्टर के थ्रू जब करंट फ्लो होगी तो ये 10 वोल्ट का कुछ कम वोल्टेज यहां पर रह जाएगा, यहां पर मान लीजिए कि 9 वोल्ट आ गया। अब ये 9 वोल्ट जब करंट इसमें फ्लो होगा तो ये रजिस्टर नेटवर्क इस वोल्टेज को डिवाइड करेगा, 10 ओम का यहां और 5 ओम का यहां। तो 10 ओम वाले पे तो ज्यादा वोल्टेज आएगा और 5 ओम वाले पे थोड़ा कम होएगा। लेकिन जब यहां पर आएगा तो ये 5 वोल्ट पहले है और 10 ओम बाद में है, तो यहां पे थोड़ा कम वोल्टेज ड्रॉप होगा और यहां पे थोड़ा ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगा। और अगर हम बीच वाले पॉइंट्स को देखेंगे तो ये 5 ओम की वजह से ये इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में थोड़ा कम वोल्टेज होगा, लेकिन ये 10 ओम होने की वजह से इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये वाला वोल्टेज थोड़ा ज्यादा होगा। ये भी हम सिर्फ क्वालिटेटिवली सर्किट को एनालाइज कर रहे हैं। इसका मतलब पॉइंट बी और ये पद्धति दोनों पॉइंट जो है वो अलग अलग वोल्टेज पर रहेंगे और ये जो सर्किट है वो बैलेंस नहीं रहेगा। फॉर्मूला के हिसाब से देखेंगे तो आर वन अगर इसको बोलते हैं और आर टू बोलते हैं तो आर वन डिवाइडेड बाई आर टू का रेशियो हो गया 2:1 और यहां पे R3 डिवाइडेड बाई R4 ये हो गया 5:2 और 1:2। तो ये जो रेशियो है वोल्टेजेस के जो रेजिस्टर्स का ये बराबर नहीं है, इसलिए सर्किट बैलेंस नहीं है। इसके इस रेजिस्टेंस से करंट के थ्रू करंट जीरो नहीं होगी तो ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन नहीं ब्रिज नहीं होगा। अगर ये बैलेंस्ड होता तो प्रॉब्लम सिंप्लीफाई हो जाता, हम इस 5 ओम के रेजिस्टर को उड़ा देते, यहां से सिर्फ 10 ओम पे करंट बहती और ये दोनों रेजिस्टर के थ्रू करंट आता, ये दोनों रेजिस्टर के थ्रू आता और सिंप्लीफाई होकर के हम फिर एक इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल देते, ये करंट आई फटाक से निकल जाता और फिर हम इसको जो है ये दोनों ब्रांचेस पे करंट को डिवाइड करके निकाल लेते। लेकिन ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन नहीं होने की वजह से ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है हमको। यहाँ पे 3 लूप है, एक लूप ये, एक लूप ये, एक लूप ये और कम से कम 3 वेरिएबल होंगे और तब जाकर के सॉल्व होगा। लेकिन यहां पर इस सर्किट में एक दूसरी ट्रिक है। इस सर्किट को आप जरा ध्यान से देखिए, ये 10 ओम यहां पर 10 ओम है, यहां पे 5 ओम है, यहां पे 5 ओम है और यहां पे 10 है, तो ये सिमेट्री है। इस सिमेट्री का एडवांटेज क्या होगा हमारे को? सिमेट्री का एडवांटेज ये है, मान लीजिए कि यहां से करंट आई चली और ये 10 ओम पे कुछ करंट गई और 5 ओम वाले उस पे भी कुछ करंट गई। अगर ये मान लीजिए कि ये उल्टी तरफ से अगर हम करंट को चलाते हैं, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को चलाते और माइनस करंट को जो भी चलाते, तो ये जब करंट को इस पूरे सर्किट को इस एंड से इस तरफ की तरह देख रहे हैं तो ये एग्जैक्टली वैसा ही दिखेगा जैसे इस सर्किट को यहां से देखने में दिखेगा। इसका मतलब ये होगा कि यहां से चली जो करंट और जो 10 ओम में जितनी करंट जाएगी ठीक उतनी ही करंट ये निगेटिव वाले वगैरह देखेंगे तो इस माइनस करंट इस डायरेक्शन में जा रही है, यानी कि इस सर्किट में अगर 10 ओम में जो करंट जाएगा, 1 एम्पियर करंट जाएगी तो 1 ही एम्पियर इस 10 ओम से निकल करके इस 10 ओम में चलेगी। इस तरीके से ये 5 ओम और ये वाले 5 ओम के साथ सिमेट्रिकल है, तो जितनी करंट इस 5 ओम में जाएगी उतनी करंट ये 5 ओम से निकल करके इसमें चली जाएगी। तो अगर हम ये दोनों इस दोनों ऑब्जर्वेशन को मिला दें तो हमारे पास ये इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर आता है। ये मान लिए कि ये 10 ओम पे करंट जा रहा है I1 करंट चला और AB ब्रांच में I2 करंट फ्लो कर रहा है।
तो जब ए बी ब्रांच में आई टू करंट फ्लो करेगा तो बाकी बचा करंट इस ब्रांच में ए डी ब्रांच में फ्लो करेगा, और वो कितना होगा आई वन माइनस आई टू, ये करंट हो गया 5 ओम में। अब सिमेट्री का प्रिंसिपल लगाते हैं, जितना करंट ये 10 ओम में जा रहा है उतना ही करंट इसमें से बाहर निकल के आएगा, तो इसमें आई टू करंट है तो इसमें भी आई टू करंट होगा, इसमें आई वन माइनस आई टू करंट होगा इस वाले में भी आई वन माइनस आई टू बाहर निकल के आएगा, तो ये हमारे सारे ब्रांचेस में लगभग करंट आ गया बस ये वाला छोड़ करके। मान लीजिए कि करंट की डायरेक्शन इसमें इधर की तरफ गई हम और इसमें इधर की तरफ आ रही, हम अभी मान ले रहे हैं कि ये करंट की डायरेक्शन इसमें इधर की तरफ है, बाद में देखेंगे रियलाइज कि अगर ये करंट की पॉजिटिव आएगी करंट की वैल्यू कैलकुलेट करने पे तो करंट इधर ही की तरफ आएगी, बट अगर करंट की वैल्यू निगेटिव आ गई तो फिर जो है वो करंट इसमें इधर से इधर फ्लो होगी। और इसमें कितनी करंट है, ये करंट आई टू माइनस ये वाला करंट आई वन माइनस आई टू, आई टू माइनस आई वन माइनस आई टू बराबर आई टू माइनस माइनस आई टू, टू आई टू माइनस आई वन, तो हमको इस ब्रांच में भी करंट आ गई। अब हमको नेक्स्ट चीज करना क्या है कि हमको एक इस लूप में ये एक वोल्टेज किरचॉफ करंट वोल्टेज लॉ लगा देना है, और वो सिर्फ बड़ा सिंपल सा चीज है, आप सारे ये वोल्टेजेस को इसके अक्रॉस जोड़ते चले जाइए, ये करंट की डायरेक्शन है इसका एक साइन लीजिए, जब करंट के अलोंग रखेंगे तो उसका एक साइन रखेंगे और अपोजिट डायरेक्शन में जब करंट दिखेगी तो उसका अलग साइन कर देंगे। तो हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव अगर लेते हैं तो 10 ओम मल्टीप्लाइड बाई आई टू, ये इस करंट इस ब्रांच का हो गया वोल्टेज ड्रॉप, प्लस 5 ओम मल्टीप्लाइड बाई करंट, ये करंट 2i2 माइनस आई वन, फिर इस वाले में करंट, अब इसमें करंट की डायरेक्शन की अपोजिट है लूप, तो इसमें माइनस लगा देंगे, माइनस आई वन माइनस आई टू। ये इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं 5 से डिवाइड करके, तो 2i2 प्लस 2 इंटू आई टू माइनस आई वन माइनस आई वन माइनस आई टू। अब ये 2i2 प्लस 2i2, ये 2i2 है, 2 to 4i2 माइनस माइनस प्लस प्लस 1i2 5i2 माइनस 2i1 माइनस आई वन माइनस आई वन, 2i1 इज इक्वल टू 0, 5i2 इज इक्वल टू 2i1, ये एक इक्वेशन हो गया। जो दूसरा इक्वेशन होगा वो हमको इस लूप से मिलेगा, हम ये वाला भी लूप ले सकते थे लेकिन ये वाला लूप और ये वाला लूप रिडंडेंट हो जाएगा, इसमें हमारा ये वोल्टेज जो बैटरी वोल्टेज और रेजिस्टर ये पिक्चर में नहीं आएगा, इससे हमको इस वाले लूप को लेने से ज्यादा फायदा नहीं, हमारे पास दो ही वेरिएबल है, एक इक्वेशन हमारा इस लूप से हो गया और दूसरा इक्वेशन हमारा कॉमन सेंस कहता है कि ये वाला लूप हमको लेना चाहिए। तो इस लूप में अगर हम लगाएंगे तो ये 10 वोल्ट हम इक्वेशन के एक साइड पर रखेंगे, ये 10 वोल्ट जो है इस सर्किट को ड्राइव कर रहा है, और ये 10 वोल्ट इसको ड्राइव कर रहा है, तो ये इस पूरे रेजिस्टेंस के अक्रॉस इसका ड्रॉप होता चला जा रहा है। तो कैसे इसको करेंगे, ये 10 वोल्ट इज इक्वल टू 10 इंटू आई वन इसके अक्रॉस ड्रॉप, प्लस 5 इंटू आई वन माइनस आई टू, प्लस 10 इंटू आई टू प्लस 10 इंटू आई टू। अब इस इक्वेशन को हम 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो आपको आ जाएगा 2i1 प्लस आई वन माइनस आई टू प्लस 2i2 प्लस 2i2 इज इक्वल टू 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे ऐड करेंगे, 2i1 प्लस i1 3i1 प्लस i2 इज इक्वल टू 2। अब हमारे पास यहां पे इक्वेशन है 2i1 इज इक्वल टू 5i2, तो हम इस i1 को 2i1 बनाने के लिए हम इस पूरे इक्वेशन को 2i2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 इंटू 2i2 प्लस 2i2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2। यानी 3 इंटू 2i2 की जगह हम 5i2 रख दिए, 5i2 प्लस 2i2 इज इक्वल टू 4, 17i2 इज इक्वल टू 4, i2 इक्वल टू 4/17। तो हमारा i2 की वैल्यू निकल गई, i2 की वैल्यू निकल गई, इसका मतलब हमको ये ब्रांच की वैल्यू निकल गई। अब i1 की वैल्यू सिंपल है,
I1 की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास एक इक्वेशन है जिसमें I1 और I2 की वैल्यू हमें पता है, और वो है I1 is equal to 2 I1 is equal to 5 I2। हमारे पास इक्वेशन था, हमारे पास आ गया I1 is equal to 5 by 2 I2, और I2 हमको मालूम है 4 by 17, 2 से इसको डिवाइड किए, 5 into 2 10 divided by 17। अब एक बचा ये ब्रांच ए डी में, ये वाले ब्रांच में जो ए डी ब्रांच है इसमें है करंट I1 minus I2। ये इसको सब ट्रैक करके निकाल लेंगे, I1 minus I2, I1 है 10 by 17, I2 है 4 by 17, तो ये 6 by 17 आ जाएगा। फाइनली एक जो हमारा ये बचा हुआ है वो ये वाले ब्रांच में करंट बचा है BD, और BD में करंट है 2I2 minus I1। तो अगर हम 2I2 minus I1 करेंगे तो ये आ गया 2 into 4 by 17 minus 10 by 17, 8 by 17 minus 10 by 10 is equal to minus 2 by 17। अब हम इसको थोड़ा सा समझेंगे। यहां पर जो करंट की हमने शुरू में तो लिया था कि करंट की डायरेक्शन इधर की तरफ इधर है, लेकिन कैलकुलेशन में माइनस आ गया, इसका मतलब ये हो गया कि करंट एक्चुअली इधर से इधर फ्लो करेगा और उसकी वैल्यू होगी 2 by 17। अब इसको हम थोड़ा सा समझ लें कि ये करंट इधर से इधर क्यों फ्लो रहा है, थोड़ा सा क्वालिटेटिवली समझ लें। आप ये देखिए, जब करंट इधर से इधर इस वाले ब्रांच में जब फ्लो कर रहा है तो ये कम वैल्यू का रेजिस्टेंस है और ये ज्यादा वैल्यू का है। जब ऐसे से ऐसे फ्लो करेगा तो क्योंकि ये रेजिस्टेंस ज्यादा है तो इस पे ड्रॉप ज्यादा होगा कंपेयर टू सी। इसको हम कंपेयर कर रहे हैं ए बी सी ब्रांच से, जब करंट इधर से इधर फ्लो कर रहा है तो सी के रेस्पेक्ट में बी का वोल्टेज वो 5 के प्रोपोर्शनल होगा, 5 divided by 10 plus 15 रफली। वो अब जो है बी का जो वोल्टेज होगा वो कम होगा और डी का वोल्टेज ज्यादा होगा। इसका मतलब ये होगा कि करंट जो है वो डी से बी की तरफ फ्लो करेगी, और इसीलिए जो है इवेंचुअली जब हम शुरू में हमने इधर की तरफ डायरेक्शन लगाए थे उससे हमारा उल्टा करंट आया। तो फाइनली हमको जो है इसी तरीके से या तो डायरेक्शन दिखा देंगे या फिर हम आंसर में उसका वैल्यू भी दिखा देंगे कि ये करंट इस डायरेक्शन में, पर नेगेटिव वैल्यू होने की वजह से डायरेक्शन इसकी D2B हो गई। जब भी व्हीटस्टोन की तरह का आपको कोई भी सर्किट दिखेगा तो आपको ये देखना है कि क्या वो वाकई व्हीटस्टोन है। अगर व्हीटस्टोन नहीं है तो क्या सिमेट्री है? अगर सिमेट्री है तो इस तरीके का सिमेट्री प्रिंसिपल लगाइएगा, यह आसान हो जाएगा। अगर आपने सिमेट्री का प्रिंसिपल नहीं लगाया तो इसमें 3 वेरिएबल कम से कम बनेंगे, और उसमें भी अगर आपने किरचॉफ करंट लॉ वाला वगैरह भी कर दिया तो और ज्यादा वेरिएबल आएंगे और काफी लंबा छोड़ा एग्जाम इसको का सोल्यूशन बनेगा, उसमें मिस्टेक होने के भी चांसेस ज्यादा होंगे। तो ये जो चीजें हैं ये आगे वाले अगर आपको और भी प्रॉब्लम्स आएंगी तो सिमेट्री का प्रिंसिपल, किरचॉफ का प्रिंसिपल, और प्लस ये व्हीटस्टोन को व्हीटस्टोन का प्रिंसिपल लगता है कि नहीं लगता है ये जरूर दिखा ली, क्योंकि अगर व्हीटस्टोन का प्रिंसिपल आगे इसको सॉल्व कर दिया तो इवेंचुअली जो है वो आंसर पूरी तरह से गलत हो जाएगा।